सत श्री अकाल जी, मैं कुलविंदर सिंह स्वागत करदा तुहाडा गिल स्मार्ट स्टडी दे उपर। सो अज अपनी वातावरण की जो सैकेंड क्लास है, सो जो पिछली क्लास दे विच आपां कीता उसका थोड़ा जिहा रिव्यू लै लईए। आपां पिछली क्लास दे विच जाणिया सी कि कॉम्पीटेटिव एग्जाम दे वास्ते जो वातावरण का सिलेबस है वह किस तरह का है और आपां किस तरह उसनूं टॉपिक वाइज कवर करते जाणांगा। सो उन्हां टॉपिक दे विच आपां वातावरण के सिलेबस नूं मुख तीन भागां दे विच वंड के चलते हाँ। सो जो अपना सब तो पहला भाग है वह आ जाता है इनवायरमेंट यानी कि वातावरण, और सैकंड अपना आ जाता है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता, और थर्ड अपना आ जाता है इकोलॉजी जो कि आप पिछली क्लास दे विच कीता सीगा। और अगे इन्हां जो सब अपने मुख टॉपिक ने इन्हां नूं सब टॉपिकां दे विच वंडिया होया गा। सो उन्हां दे विच वातावरण दे विच आपां घटक अते इस दी परिभाषा आपां कर चुके हाँ। सो उसे लड़ी नूं अगे तुरदे होए आपां अज दी क्लास कंटिन्यू कर देंगे, और तुसी इस क्लास दे नोट्स जरूर बनायो क्योंकि नोट्स बनाउण नाल तुहानूं जो मैं इस दे विच क्वेश्चन करवावांगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप होणगे जो कि तुहाडे पेपर दे विच एज इट इज़ तुहानूं देखण नूं जरूर मिलणगे। सो आपां क्लास अगे स्टार्ट करदे हाँ। सो अज आपां सब तो पहलां देखदे हाँ कि मनुख दे वातावरण उपर की प्रभाव ने। सो आपां स्टार्ट करांगे अज मनुख दे वातावरण उपर की प्रभाव ने। ठीक है, ये अपना मेन हैडिंग है, इस दे विच अगे सब डिवाइडेड टॉपिक ने वातावरण उपर की प्रभाव ने। ठीक है, सो इस दे विच आपां जाणांगे कि मनुख किस तरह वातावरण नूं जो प्रभावित कर रहा है और किस तरह उस दे विचों जो आपां नूं एग्जाम दे विच चाहिए क्वेश्चन ने वह किस तरह बनणगे। सब तो पहला आपां इस टॉपिक नूं समझण की कोशिश करते हैं कि मनुख दे वातावरण उपर प्रभाव कि मिलेंगे। ठीक है, तुसी मन लो अपने कोले ए है मनुख। ठीक है, ये यूटिलाइज कर रहा है घटक नूं। घटक आपां पिछली क्लास दे विच पढ़ चुके हाँ, जेकर तुसी पिछली क्लास नहीं देखी तो जरूर देखियो, उस दे विच घटक नूं बड़ी आसानी नाल समझाया गया गा। सो ये यूटिलाइज करता गा घटक नूं। सो जो ये मनुख यूटिलाइज कर लैंदा घटक नूं, सो फिर अगे ये की करता गा खोज। सो जो खोज आ गई उस दे की ने गे अगे प्रभाव की ने गे, उस दे प्रभाव पैणगे। ये तो बिल्कुल साफ जी गल है कि जो आप कोई भी इनवेंशन करते हैं, ठीक है, उसके प्रभाव तो अपन देखने को जरूर मिलते हैं। सो अगे आ जाता है खोज दे की होणगे प्रभाव। हुण जिहड़ा प्रभाव का असर हैगा वह मनुख ते भी पएगा, वह की पएगा घटक ते भी पएगा। एक किस तरह पएगा वह तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाउणा गा। जिवें कि अपने कोल एक मनुख है, तुसीं ला लो अपने कोल मनुख आ, इसने की कीता, इसने यूटीलाइज़ कीता। ठीक है, पानी नूं यूटीलाइज़ कर लिया ने। हुण जो इन्हें पानी नूं यूटीलाइज़ कर लिया फिर इन्हें अगे की कीता, इन्हें अगे बना ले डैम। इन्हें जो डैम बना ले सो जो डैम का प्रभाव हैगा वह तो होना गा, डैम की हो गया एक खोज होगी। सो इसका प्रभाव तो पैना ही पैना, थोड़े टाइम बाद, बहुते टाइम बाद, कुछ टाइम बाद तो इसका प्रभाव पैना ही है। सो इसका प्रभाव पएगा किसते, इसका प्रभाव पएगा मनुख ते ते पानी ते। हुण इसका प्रभाव जो मनुख ते किस तरह पएगा, हुण जो मनुख ने पानी नूं यूटिलाइज़ करके, ठीक है, डैम बनाए ने, तो एक दिन डैम दे विच पानी का जो स्तर है वह उपर उठना गा। जो पानी का स्तर उपर उठना गा तो हड़ां की स्थिति भी बननी है, हड़ आउणगे। सो हड़ आउणगे तो मनुख नूं प्रभावित करनगे ही करनगे। सो इस तरह इसका प्रभाव पानी ते भी पैंदा गा। इसका प्रभाव पानी ते किवें पैंदा गा, क्योंकि जो डैम बनाए ने आपां पानी नूं की कीता, इकट्ठा करन दी कोशिश कीती है, उस ते प्रैशर पाया जा रहा है। सो इसका प्रभाव इस करके पानी ते भी है। सो इस तरह आपां अगे ये सी अपनी सिंपल एग्जाम्पल इस नूं समझण दी। फिर हुण आपां अगे इस दे टॉपिक पढ़दे हां अगे जो मनुख ने वातावरण उपर प्रभाव ने वो किस तरह पैंदे नेगे। ठीक है, उस दे विच कीड़ियां कीड़ियां गल्लां आउंदियां नेगियां, जिवें कि अपना प्लास्टिक पोल्यूशन आ गया, आपां सब तो पहलां उसे दी गल करदे हां।
ਸੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਓ ਏ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਹ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸੋ ਆਪਣ ਤੋਂ ਜੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਸੋ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਮਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲੀਮਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਪੋਲੀਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਪੋਲੀਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਬੈਗ ਲਾ ਲਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਲਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਦੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਮਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੋ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਗੁਸਟਾਫ ਥੁਲਿਨ ਸੋ ਜੋ ਗੁਸਟਾਫ ਥੁਲਿਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਨੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਇਨਵੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਸਟਾਫ ਥੁਲਿਨ ਨੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਸਟਾਫ ਥੁਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਨੇ ਫਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਗੁਸਟਾਫ ਥੁਲਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਸਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਸੋ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੈਲੋ ਪਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀਗੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਥੁਲਿਨ ਨੇ ਗੁਸਟਾਫ ਥੁਲਿਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੁਲਿਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1987 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ
वो 80% भाग है जो, ठीक है, वो यूरोप कॉन्टीनेंट का, यूरोप कॉन्टीनेंट का 80% भाग इन्हें अपनी गिरफ्त दे विच लै लिया। मतलब कि यह 80% यूरोप कॉन्टीनेंट दे विच यूज होने लग गई। जदों इसकी यूज इन्नी हुई तो अगे हौली हौली यह इसने पूरे वर्ल्ड पर आपका कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर की होया 1997 दे विच आके एक विद्वान होए ने जिसने कुछ खोज की है, वह की कीती आपां देखदे हां। सो 1997 दे विच, 1997 तक आउंदे आउंदे 1987 तक इसका पूरा फैला हो गया सीगा। इस तरह यह हौली हौली चली गई पूरे वर्ल्ड तक फैली। फिर की होया 1997 दे विच अपने कोले एक व्यक्ति आया जिसका नाम की सीगा चार्लस मोर। जो चार्लस मोर सीगा ये जिथे रहिंदा सीगा, ठीक है, इसने की जज किया उत्थे, इसने जज किया कि जो उत्थों के एक्वाटिक एनीमल सीगे वो मरने शुरू हो गए। उस दी उन्हां दी गिणती मरण दे जो गिणती सीगी वो ज़्यादा तो ज़्यादा हो गई, ठीक है, मरण दी। सो इसने की जज किया सीगा कि जो एक्वाटिक एनीमल ने ना, एक्वाटिक एनीमल ने, ठीक है, वो की हो गए मरने शुरू हो गए जिथे ये रहिंदा सी उस स्थान के उपर। सो इसने खोज की कि इन्हों के मरण के पिछे कारण की हो सकता गा, ये मर क्यों रहे ने। जो इसने खोज की इस उपर तो इसने एक गल का पता लग्या कि जो आप पॉलीथीन वरतते हाँ उस दे नाल इन्हां दी मौत हुई है। सो इस तरह इन्हें जो लोगों को दसिया, ठीक है, भी जो प्लास्टिक की आप यूज़ करते हाँ ये जानवरों की मौत का कारण बनती है। फिर इन्हें की किया कि जो इसकी खोज का इन्ना क पता लग्या लोगों को, तो जो विद्वान होए ने खोजकर्ता होए ने होर उन्होंने की किया कि उन्होंने जान लिया कि जो प्लास्टिक है उसके साइड इफेक्ट ने, उसके साइड इफेक्ट की ने गए वो आप अगे देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की बनते हैं वो ध्यान रखियो माड़ा जहा। पहला क्वेश्चन तो यही बनता कि अपना जो प्लास्टिक की खोज हैगी, ठीक है, वह किसने की सी, सो किन्ने ईस्वी दे विच की सी। फस्ट क्वेश्चन ये बनता गा। इस तरह आपां तो सैकंड क्वेश्चन पेपर दे विच पुछया जांदा गा कि जो प्लास्टिक है ये सब तो पहला किहड़े कॉन्टीनेंट दे विच यूज होनी शुरू हुई, वो है अपने कोले यूरोप दे विच, और ये कितों की कंपनी द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, वो है यूरोप की कंपनी सैलोप्लास्ट। ये भी जो चीज़ याद रखनी है, ठीक है, और फिर याद रखना गा कि जो प्लास्टिक दे साइड इफेक्ट सीगे उन्हां बारे सब तो पहला जो किसने आपां नूं दस्या सीगा वो सी अपने कोले चार्लस मोर। ये चीज़ां याद रखनिया ने, और एक क्वेश्चन इस तरह बनते हैं पेपर दे विच। सो इस तरह अगे आपां देखते हैं कि जो प्लास्टिक दे साइड इफेक्ट की ने गे जिस दे नाल है ना इन्ना जो अपना वधिया वातावरण है वह दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। सो इस दे पिछे प्लास्टिक दे साइड इफेक्ट ने, सो जो प्लास्टिक दे साइड इफेक्ट ने वो की ने गे वो आप देखते हैं। इसे दे विच आ जाता है प्लास्टिक दे, इत्थे लिख लो प्लास्टिक दे साइड इफेक्ट, प्लास्टिक दे साइड इफेक्ट किस तरह ये अपना जो वातावरण के लिए दिन ब दिन हानिकारक होंगी जा रही है उसके पिछे कारण की सीगे। जो इसका सब तो पहला साइड इफेक्ट सीगा वो आपां नूं एक गल समझ आउंदी हैगी कि जो प्लास्टिक है वह कदे भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, भाव के खत्म नहीं होंगी। ठीक है, इसका जो सब तो प्रमुख कारण यही है कि आप इस यूज तो कर लें पर इस खत्म नहीं कर सकते, बना तो लें पर इस वातावरण के बाहर नहीं कर सकते। सो इस तरह ये इसका सब तो पहला मुख्य कारण यही है कि यह डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी। सो इस तरह ही जो सैकंड पॉइंट है वह की बनता गा कि इस दे जलन नाल, प्लास्टिक के जो जलन नाल ने ना उस नाल की होंगे गा
प्लास्टिक दे जालन दे उपरंत की हुंदा गा कि इस दे विचों की निकलदे ने प्रदूषक, इस दे जालन नाल की निकलदे ने गे प्रदूषक, जिन्हां नाल अपना जो वातावरण है वह दिन ब दिन खराब हुंदा जा रहा है। उसका कारण यही है कि इसनूं आपां जला भी नहीं सकते, ठीक है, ये तो भी यह अपने वातावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। हुण इस दे नाल जो इस दे अपने साइड इफेक्ट ने इन्हां नूं जेकर मैं डिटेल दे विच समझाउण दी कोशिश करा तो आपां देखदे हां कि अपने कोले एक व्यक्ति है, ठीक है, मनुख ला लो कोई भी ला लो, राम शाम जो भी है, ठीक है, इन्हें चादरा पाया होया, तो यह की करता गा ये नदी के किनारे खड़ा गा, ये नदी है इस तरह की। सो मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी नहीं, थोड़ा जा एडजस्ट कर लियो। सो ये की करता गा पानी पींदा गा, इनू लगती है प्यास, पानी पींदा गा, बोतल लैंदा गा, ठीक है, बोतल लैके की करता है पानी पी के खाली बोतल नू नदी दे विच सुट दिंदा गा, ठीक है। सो उस तरह इसे नदी के उपर अगे जाके घर भी बने हुए ने लोगों के, ऑबवियस है, होणगे, कोई वड्डी गल नहीं, ठीक है, इन्हां घरां दे विचों की निकलदियां ने नालियां जो कि नदी चौंदियां ने सिद्धियां। हुण आपां नूं पता हैगा कि घरां दे विच आपां प्लास्टिक आम ही यूज़ कर लैंदे हांगे, सो जो प्लास्टिक है वह नालियां दे राहीं इस नदी दे विच आ जांदी हैगी। सो यह नदी की करती है, पानी का बहाव गा नदी दे विच, ठीक है, वो जो सारी प्लास्टिक नूं लिजा के इस तरह जमा कर दिंदी आ, यह सारी प्लास्टिक है। हुण इहदे साइड इफेक्ट समझण दी कोशिश करियो थोड़े जे भी इसदे साइड इफेक्ट अपने कोले की बनते ने गे, ठीक है। इसका जो सब तो पहला साइड इफेक्ट बनता गा वह तो यही बनता गा अपने कोले कि जो इस तरह पार्टीकल जमा हो गए प्लास्टिक दे पानी दे, पानी नूं कवर कर लिया ने, कवर कर लिया तो जिहड़े विच रहण वाले जीव जंतु ने दे उन्हां नूं की चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है, इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन उन्हां लई, ठीक है, जीव जंतुओं लई तां उन्हां लई तां ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। जे उन्हां लई ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है सो इन्हें तो पूरा कवर कर लिया पानी, जो इन्हें पूरा कवर कर लिया पानी जो खुली ऑक्सीजन सी उसकी इन्हें की करती नैगटिविटी लिया, खुली ऑक्सीजन दे विच की लिया नैगटिविटी, घटाता उन्हों खुली ऑक्सीजन नूं की करता बिल्कुल घटाता इन्हें, तो जिहड़े इहदे विच जीव जंतु रहिंदे सीगे, ठीक है, इहदे विच पानी दे विच स्थे जीव जंतु रहिंदे सीगे उन्हां नूं लोड़ीदी ऑक्सीजन, पर जो प्लास्टिक है उन्हें ऑक्सीजन का बिल्कुल खत्म करता, जिस नाल जो इस दे विच जीव जंतु रहिंदे सी मच्छियां वगैरह वह की हो गए मरने स्टार्ट हो गए। सो इस तरह इसका एक बड़ा कारण होर आपां नूं देखण नूं सामने आउंदा गा कि कई बार की हुंदा गा जो अपने जानवर ने उन्हां नूं प्यास लगती है, है ना, वह की करते हैं गे जिथे उन्हां नूं पानी का सोमा मिलता गा वह पानी पीने लई बग जाते हैं गे, जो वो जाते हैं गे वो कई बार देखते हैं कि आप देखते हैं कि वो प्लास्टिक दी वस्तुआं पईआं हुंदियां ने जिहड़ियां उन्हां नूं कई बार खा भी जाते हैं भुख लगन कारण, वह कारण की हुंदा गा कि उन्हां नूं नहीं पता हुंदा कि यह चीज़ जानलेवा हैगी, वह एक नवी चीज़ देखते हैं गे, ठीक है, और उसनूं खा जाते हैं गे, निकलने की कोशिश करते हैं, जां उन्हां नूं मिठा लगता उस दे विच कुछ ना कुछ, जिवें आपां फ्रूटी वगैरह जां फ्रूटी तां गत्ते दी होगी सॉरी, तो जो प्लास्टिक दे अपने केन आउंदे ने गे उन्हां दे विच कई बार मिठा हुंदा है ना, वो उन्होंने कई बार मतलब निकलने की कोशिश कर लेंगे ने, तो वह की कारण हुंदा गा उन्हां दी मौत हो जाती हैगी। सो प्लास्टिक जानवरां दी मौत का कारण भी यही बनती है, जानवरां दी जो मौत हो रही है जानवरां दी मौत का कारण भी यही है, प्लास्टिक ही है। सो यह सी एक बेसिक स्ट्रक्चर जिस दे राहीं आपां इस दी की करिया प्लास्टिक प्रदूषण दे जो साइड इफेक्ट ने उन्हां नूं जानण दी कोशिश करी, पर इस दे उपरों आपां नूं एक गल होर भी जो पेपर दे विच आउंदी है और पुछी भी जाती है वह पता चलती है, वह की चलती हैगी कि इस तरह की कि नदी हैगी जिहड़ी प्लास्टिक नूं प्लास्टिक दा सब तो ज़्यादा डिपोजिट करती हैगी, वह नदी हैगी जी चाइना दी, वो है चाइना दी नदी जाके जो के अपना, ठीक है, डिपोजिट करती है वध तो वध प्लास्टिक दा। सो इस तरह एक आपां तो पेपर दे विच पुछी जाती हैगी, ध्यान दे विच रखियो।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਯੂਜ਼ਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਲਡ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਬਣਾ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਊ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ, ਕਦੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਸਿੱਕਮ। ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਬੋਟਲ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ ਤੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਨ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਦਰਜਾ ਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਲਗਾਈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਣਦਾ ਗਾ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ, ਬਣਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਹਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
जो बैन लगाया सी वो किस स्टेट ने लगाया सी, वो लगाया सी हिमाचल प्रदेश ने, किन्ने विच लगाया सी 2009 दे विच। सो इस तरह ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा किनू दिता गया, वह दिता गया सिक्किम नू, किन्ने विच 2018 दे विच। सो ये चीज़ याद रखनी है। सो हुण आपां पढ़दे हां डिफॉरेस्टेशन यानी कि वणां दी कटाई। सो वणां दी कटाई दे की प्रोसैस ने, ठीक है, और उस नाल जुड़े मुद्दे की ने गे। एमाजॉन के जंगलों का हो गया, ठीक है, अपने कोले जा अपने कोले भू अपना मिट्टी के खुरन का हो गया, भू खुर का हो गया, वो मुद्दे किस तरह अगे काम करते हैं वो आप देखते हैं। सो अपने कोले आ जाता इत्थे बी आ जाता है वणां दी कटाई डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, वो आ जाती अपने कोले इस दे विच, अंग्रेजी दे विच आपां बोल देने आ। सो वणां दी कटाई दे जो वणां दी कटाई दे साइड इफेक्ट ने, नुकसान ने, वो की ने गे। सो जो वणां दी कटाई दे अपने कोले नुकसान ने गे, वो बिल्कुल ही अपने कोले सीधे साधे ने गे। इस दे नाल की हुंदा गा, जदों आपां वणां जंगलां नूं कट दिंदे आ गे तां की हो जांदा अपने वायुमंडल दे विच, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का की हो जाता गा, वाधा हो जाता गा। तुसीं आपां पढ़िया भी है, पता भी हो, कोई वड्डी गल नहीं, पर आपां इसनूं अगे समझण दी कोशिश करांगे। कार्बन डाइऑक्साइड का की हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वाधा हो जाता है। सो इसनूं कहिंदे की ने, पढ़िया भी आपां पिछलियां क्लासां दे विच, जदों कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल दे विच वध जांदी है तां इसनूं नाम दिता जांदा है ग्लोबल वार्मिंग दा, ठीक है, इतों ही पॉइंट याद रखना गा। सो इस तरह ही जो अगला पॉइंट हैगा अपना, इसका अगला नुकसान हैगा वो की हैगा, जो अपना भू खुर हैगा, मिट्टी का खुरना, भू खुर विच की हो जाता गा, वाधा हो जाता गा। सो इसनों आप समझने की कोशिश करते हैं कि जो भू खुर दे विच वाधा किस तरह होंगे गा, ठीक है, वो आप देखने की कोशिश करा, समझने की कोशिश करा। मन लो अपने कोल आगा मिडल हिमालय, ठीक है, ये अपने कोल मिडल हिमालय, इस दे उपर छोटे छोटे दरख्त लगे हुए ने इस तरह कुछ, ठीक है, इन्ने सोहने तो नहीं बनते पर समझण दे लई काफ़ी ने, इस तरह के कुछ ना कुछ दरख्त लगे हुए ने। इन्हां ने की किया होगा, जो मिट्टी नूं हैगा वह की किया हो, इस तरह ही मिट्टी नूं की पकड़ बना के रखी हुई है, जकड़िया होया गा। हुण की हुंदा गा, मनुख की करदा गा, इन्हां दी कटाई करनी शुरू कर दिंदा गा, ठीक है, इन्हां दी मनुख ने की कीती कटाई, जो इन्हां दी कटाई करनी शुरू कर दिती, ये हिमालय मिडल हिमालय दे नाल इत्थे ला लो एक लेक हैगी, कोई झील हैगी इस तरह की बनी हुई आ, इहदे विच पानी है इस तरह कुछ बिल्कुल इहदे नाल है। सो जदों इन्हां ने जंगलों की कटाई शुरू की मनुख ने, तो जिहड़ी ये दरख्त बिल्कुल खत्म हो गए, जो इसने मिट्टी नूं जकड़िया होया सीगा वो इसने अपना दरख्तों ने बिल्कुल छड़ दित्ती, तो जो पानी सीगा, पानी के पार्टीकल सी अपना मिट्टी के पार्टीकल सीगे, जो मिट्टी के पार्टीकल ला लो, रॉ मटीरियल ला लो, वह की हो गया खिसकना शुरू हो गया, खिसकदा खिसकदा वह कित्थे आ गया, अपना लेक दे विच आना शुरू हो गया। तुसीं इत्थे प्रभाव देखो किन्ना गंदा पै रहा है अपना डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है, कि जो बंगला बणा दी इन्हां ने जंगलों की ला लो, ठीक है, कटाई शुरू की पौद्या की ला लो, दरख्तों की ला लो, जो कटाई शुरू की तो जिहड़ा रॉ मटीरियल सीगा उसने की करता, झील नूं भरना शुरू करता। हुण जदों इसनूं भरना शुरू किया, जो इहदा पानी का लेवल सीगा इस दे विच उह की हो गया, हौली हौली खत्म होना शुरू हो गया, खत्म होण दे नाल इह बिल्कुल सुक गई। तां देखो जो आपां कटाई कीती है ना इन्हां दरख्तां दी, इस नाल की प्रभाव पिया, जंगलों की कटाई की इस नाल की प्रभाव पिया कि जो अपनी झील सी पानी का मुख सोमा सीगा वह बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। सो इस तरह आपां अगे देखते हाँ अपने कोल एक होर समस्या आउंदी हैगी, हुणे हुणे की रहा, वो हुणे हुणे जो आपां एमाजॉन दे जंगलों की सीगी वो
अपने को करंट अफेयर के विशेष मुद्दा भी बनया होया सीगा कि जो एमाजोन के जंगल ने गए उन्होंने एक भयानक अग लग गई सी, ठीक है। सो उन्होंने आप उस मुद्दे से थोड़ा जहा देखने की कोशिश करा। सो आ ला लो कुछ इस तरह का ये अपने को साउथ अमेरिका कॉन्टीनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टीनेंट है, ठीक है। तुसी सारे ने पढ़िया होना साउथ अमेरिका कॉन्टीनेंट बारे। सो इत्थे की ने गे, इत्थे एमाजोन के जंगल ने गे, ठीक है। इस दे विच की ने एमाजोन के जंगल ने गे इस जगह उपर जिन्हों पर एमाजोन के जंगल कहने ना वो ने इत्थे एमाजोन के, ठीक है, एमाजोन के वन ला लो जंगल ला लो, ठीक है, वो चीज़ इत्थे। तो इस दे विच जो अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टीनेंट दे विच की हैगा, इस दे विच जो देश आते हैं गे वह भी तुम्हें पता होने किड़े ने गे, वेनेजुएला आ जाता, इस अपना ब्राज़ील आ जाता, अपना पेरू आ जाता गा, ठीक है। वह सारे देश ने गे इस तरह बने हुए, वेनेजुएला, पेरू, ब्राज़ील, ठीक है। तो जो इन्होंने इस दे विच समस्या की हुई कि जो एमाजोन के वन ने गे जंगल ने गे, इस दे विच दो प्रमुख समस्यावां जो आईया वह की सीगियां। इस दे विच जो पहली समस्या आई वह सी जंगलों की कटाई, ठीक है। मनुख ने की करता, इनू भी वढ़ना शुरू करता, जंगलों की कटाई करती। दूजी वड्डी प्रॉब्लम की आई, फायर की अग लग जाती है, इत्थे आने लगी सी पिछे जे तुहानू याद ही होना, ठीक है। सो इस दे विच ये दो मुद्दे देखने नू अपने कोल आए, ठीक है। ये क्यों आए ने गे, ये इस करके ही आए ने गे कि जो मनुख हैगा वह लगातार जंगलों वढ़ता जा रहा है, और जो कोशिश है उसकी इंडस्ट्री बनाने की जंगलों खत्म करके वह वातावरण को नुकसान पहुँचा रही हैगी। हुण जिहड़ा ये एमाजोन के बण एमाजोन के जंगल ने, एमाजोन के जंगल क्यों कहा जाता इन्हों, सब तो पहला क्वेश्चन यही है कि एमाजोन के जंगल ही क्यों आख्या जाता है। इस दे विचों रिवर निकलती है एमाजोन, सोनू पता भी होना फिर भी मैं दसदा कि इस दे विचों रिवर निकलती है एमाजोन, ठीक है। ये उसते की हैगा आले दुआले की होए ने बने हुए ने गे जंगल ने जो बने हुए ने, इस करके इसनू एमाजोन के जंगल आख्या जाता गा। सो एक क्वेश्चन होर बनता गा कि जो एमाजोन के जंगल ने इन्हों का जो ज़्यादा भाग है वह किहड़े देश दे विच हैगा। सो वो ज़्यादा भाग कित्थे हैगा, वह है ब्राज़ील दे विच। हुणे हुणे जदों इन्हां जंगलों नूं अग लगी सीगी, ठीक है, उसका जो आपां की कह दिंदे आपां जो मुख कारण सीगा वह सीगा अपना लोगों ने की करता उत्थे अपना जंगलों की कटाई शुरू करती, ठीक है। आपदे आपदे लालच दे लई उत्थे जाके जंगलों दे विच जंगलों विच जाके दखलअंदाजी शुरू करती सीगी। उहनूं जो उसका कारण जो मन्निया गया सीगा, उसनूं उसका जो जिम्मा ठहराया गया वह किहनूं ठहराया गया सीगा, ब्राज़ील दे प्रेजीडेंट ने बोलसोनारो उसनूं ठहराया गया सीगा। बहुत सारे मीडिया दे विच खबर भी आई सीगी कि बोलसोनारो जो है उसने लोगों पर लगाम नहीं लगाई जिस करके इन जंगलों के अग लगी। सो इस दे विच एक होर क्वेश्चन बनता गा कि जो ये जंगल ने किस टाइप के ने, एमाजोन के जंगल किस टाइप के ने, एमाजोन के जो जंगल ने एक किस टाइप के ने, ये ने टॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, ये याद रखना, इन्हें टॉपिकल एवरग्रीन जंगल ने गे, ठीक है। सो उस तरह ही आप हूँ अगे जो की करते हैं अगे कोशिश करते हैं कि जो वणां दे इहदा की करे आप नुकसान होया ना, वणां की कटाई दे नुकसान होया है। सो उस तरह जो जंगलों के ने जो फायदे की ने गे वह आप अगे क्लास के पढ़ते हैं, उस दे विचों भी क्वेश्चन बनते हैं गे। सो उस दे विचों जिहड़े क्वेश्चन बनते हैं वह भी आप देखांगे। आपां पढ़िया तो बहुत सीगा है ना कि आपां पता ही सीगा कि जंगलों की कटाई के की नुकसान ने गए, पर कदे भी आपां मुद्दों के नाल जोड़ के पढ़न की कोशिश नहीं करते। सो क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरह ही बनते हैं जिस तरह मैं थोनों एमाजोन के जंगलों की समस्या समझाई है।
ਸੋ ਬਣਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਣਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਾਇਦੇ, ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜੰਗਲ ਨੇਗੇ ਵਣ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਥਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਭਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਥਲ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜੰਗਲ ਨੇ, 30% ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੋ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 30% ਵਣ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹਟੇ ਭੂਖੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵਣ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵਰਖਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਖਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਖਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਖਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਹਵਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਸੰਘਣਨ ਹੋਜੂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਣਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਬੱਦਲ ਬਣਨਗੇ, ਓਬੀਅਸ ਆ, ਜੇ ਬੱਦਲ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਖਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਘਣਨ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਰਖਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਏ ਬੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ।